हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को इसमें डिस्कस करेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, हाल ही में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ए, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में हाल ही में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और अक्टूबर मंथ में जितने भी डे मनाए गए हैं सभी डे को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो राइट आंसर है ए, जापान देश ने हाल ही में 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इस बैठक में चारों देशों ने एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने पर चर्चा की गई है। जापान के टोक्यो शहर में इस बैठक का आयोजन हुआ है। बात किया गया है जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है टोक्यो, करेंसी है जापानी एन। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो हमारा राइट आंसर है बी, विराट कोहली। ये पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जो T20 मैचों में 9000 रन बनाने वाले। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विराट कोहली रॉयल चैलेंज बेंगलोर के कप्तान है। बात किया गया है बीसीसीआई की, तो भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। इसको हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में, अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष है महीम वर्मा, सचिव है जैसा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, एम ए गणपति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिर्देशक बने हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक नोबेल पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त तीनों को भौतिक नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दी जाती है। किस कंपनी ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, स्पेस एक्स ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बात किया गया है स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी। 6 मई 2002 में हुई थी। इसके संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क हैं। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, श्रीनगर। श्रीनगर में पहला जैविक सब्जी केंद्र स्थापित किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बात किया गया इसमें जैविक खेती की, तो जैविक खेती कृषि पर्यावरण को स्वच्छ और दीर्घकालीन एवं स्थिर उत्पादन प्रदान करती है। जैविक खेती के लिए जीवाश्म जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जैसे उर्वरक एवं हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इस केंद्र में जैविक खेती के जरिए सब्जियां उगाने वाले किसान सीधे उपभोक्ताओं को अपने कृषि उत्पाद बेच सकेंगे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है ए, दिनेश कुमार खारा हाल ही में एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दिनेश कुमार खारा जो हैं ए, रजनीश कुमार की जगह लेंगे। इसके पहले रजनीश कुमार एसबीआई के अध्यक्ष थे। बात किया गया है एसबीआई की, तो एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
इसे हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। इसके मुख्यालय है मुंबई में। इसका पुराना नाम जो है वह है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके एमडी अश्विनी भाटिया हैं। इसके टैगलाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में हाल ही में मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, श्रीलंका में हाल ही में मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, बात किया गया है श्रीलंका की, तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया की राजधानी है कोलंबो। यहाँ की करेंसी है रुपया। राष्ट्रपति है गोतबाय राजपक्षे। प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेड अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का नया सदस्य नियुक्त किया है। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त तीनों को हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का नया सदस्य नियुक्त किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, आरबीआई की एमपीसी अर्थात एमपीसी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और अन्य 3 बाहरी सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इसमें बात किया गया है आरबीआई, इसमें जान लेते हैं हम लोग कुछ आरबीआई के बारे में। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसके गवर्नर है शशिकांत दास। नेक्स्ट प्रश्न है, यूईएफए के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, यूईएफए फुटबॉल लीग का एक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, मनीष सिसोदिया ने हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। फ्रेंड्स, इसमें 9 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन पाए हैं सभी को इसमें डिस्कस किया गया है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्स बहुत सारे आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए करेंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसी चैनल पर हमने 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक के टोटल 1250 प्रश्नों का हमने एक सीरीज लाया है। उसके जाकर के यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर अवश्य देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।